हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 14 जुलाई 2019 के MCQ करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का MCQ करंट अफेयर्स जीके। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट। इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2019 बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? कथन एक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द मोस्ट इम्प्रूव्ड MPI वाज सीन इन अफ्रीकन कंट्रीज। रिपोर्ट के मुताबिक MPI में सबसे अधिक सुधार अफ्रीकी देशों में देखी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडियाज MPI वैल्यू वाज 0.283 इन 2005-06, विच केम टू 0.123 इन 2015-16। भारत का MPI वैल्यू 2005-2006 में 0.283 था, जो 2015-2016 में 0.123 पर आ गया है। स्टेटमेंट थर्ड, मोस्ट इम्प्रूवमेंट इन पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया वाज सीन इन झारखंड। भारत में गरीबी में कमी के मामले में सर्वाधिक सुधार झारखंड राज्य में देखा गया है। ऑप्शन ए, ओनली वन, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, टू एंड थ्री, दो और तीन सही है। ऑप्शन सी, वन एंड थ्री, एक और तीन सही है। ऑप्शन डी, वन टू एंड थ्री, एक दो और तीन, यानी कि सभी सही है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा हाल ही में एक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 की रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें जो स्टेटमेंट सही है वो स्टेटमेंट क्या है कि जो भारत है उसका MPI वैल्यू 2005-06 में जो 0.283 था वह घटकर 2015-16 में 0.123 हो गया है। और दूसरा इसमें सही कथन क्या है कि भारत में गरीबी के में कमी के मामले में सर्वाधिक सुधार झारखंड राज्य में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू एंड थ्री, सेकेंड एंड थर्ड, टू और थ्री। नेक्स्ट, एट द प्लेस वेयर द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम वॉज हेल्ड रिसेंटली ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस की आजादी पर हाल ही में पहला वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी ओटावा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स अनाउंसमेंट द रेजिडेंट ऑफ विच इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। विश्व बैंक समूह की घोषणा के अनुसार किस भारतीय मूल के निवासी को प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डेविस मालपास, ऑप्शन बी अंशुला कांत, ऑप्शन सी चंदा कोचर, ऑप्शन डी कल्याणी साय। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंशुला कांत को। विश्व बैंक समूह की घोषणा के अनुसार भारतीय
प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है और यह पहली महिला है जिन्हें की मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की बात करते, विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। नेक्स्ट, सी कपूर सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे, हाउ मैनी ईयर्स ही हैज सर्व्ड फॉर क्यू स्पोर्ट्स। पूर्व बिलियर्ड और स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव सी कपूर का निधन हो गया है। उन्होंने क्यू स्पोर्ट्स के लिए कितने वर्षों तक सेवा की थी? ऑप्शन ए 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। ऑप्शन बी 20 ईयर्स, 20 वर्ष। ऑप्शन सी 30 ईयर्स, 30 वर्ष। ऑप्शन डी 40 ईयर्स, 40 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 40 वर्ष से भी अधिक उन्होंने क्यू स्पोर्ट्स के लिए सेवा की थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए स्कीम टू प्रोवाइड हाउसिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल। पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बंगाल हाउस स्कीम, बंगला आवास योजना। ऑप्शन बी बहनजी हाउस स्कीम, बहनजी आवास योजना। ऑप्शन सी अम्मा हाउस स्कीम, अम्मा आवास योजना। ऑप्शन डी ममता हाउस स्कीम, ममता आवास योजना। पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है तथा वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने बंगाल के पश्चिम बंगाल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आवास यानी कि अपना घर मुहैया कराने के लिए बंगला आवास योजना शुरू की है। अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बंगला हाउस स्कीम, बंगला आवास योजना। मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करंट अफेयर्स जी के। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी क्वेरी जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें। UV कंपटीशन चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें अकेडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।